ये भी आम बच्चों की तरह पली बड़ी, किसी की बेटी थी तो किसी की बहन, तालीम भी हासिल की, टीचिंग भी की, लेकिन ऐसा क्या काम कर गई ये 25 साल फिलिस्तीनी लड़की कि आज भी जिसके नाम से बड़े बड़े सुपर पावर कांप जाते हैं। फिलिस्तीन की जिस गली में इसका नाम लिख दिया जाए तो वहाँ इसराइली फौजी जाने से कतराते हैं और किसी की हिम्मत नहीं कि उस गली में कदम भी रख दे। ये वो शहजादी है जिसने इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और आज इस वीडियो में हम इसी लड़की की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे जिसे पूरी दुनिया लैला खालिद के नाम से जानती है। मैं हूं आमिर हबीबी और आप देख रहे हैं द रॉयल डिस्कवरी। ख्वातीनों हजरात, वैसे तो लैला खालिद 1944 में फिलिस्तीन के हीफा शहर में पैदा हुई, लेकिन कौन जानता था कि एक दिन ये लड़की पूरे आलम इस्लाम की आँख का तारा बन जाएगी। लैला खालिद ने 1948 में अपनी माँ के साथ हिजरत की और लबनान के मुजाहिद कैंप में आ पहुँची। लैला खालिद ने हिस्ट्री, फ़लसफ़ा और इस जैसे बहुत से सब्जेक्ट में महारत हासिल की और कुवैत के एक स्कूल में टीचिंग करना शुरू कर दी। लेकिन रोज़ाना अपनी आँखों के सामने छोटे छोटे फिलिस्तीनी बच्चों को मरते हुए देखकर, हज़ारों छोटे छोटे बच्चों को यतीम होता देखकर इसे मजबूरन मुजाहिदा बनना पड़ा। और फिर लैला खालिद ने फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ने वाली एक तंजीम ज्वाइन की, और अब वो फिलिस्तीन को इसराइलियों से आज़ाद करने का अज़्म कर चुकी थी। फिर 29 अगस्त 1969 को लैला खालिद की क़्यादत में कई जांबाजों ने बोइंग 707 को हाईजैक कर लिया। ये TWA-840 फ़्लाइट थी जो इटली से उड़ी थी, और कहा जाता है कि इसी फ़्लाइट में इसहाक राबिन भी था। जैसे ही जहाज़ एशिया के आसमानों में दाखिल हुआ, लैला खालिद और उसके साथियों ने जहाज़ को हाईजैक कर लिया और उसका पूरा कंट्रोल अपने कब्ज़े में कर लिया। और फिर लैला खालिद ने पायलट को हुक्म दिया कि फ़्लाइट को फ़िलिस्तीन के हीफा शहर से उड़ाते हुए दमिश्क में लैंड कर दो। पायलट ने हुक्म माना और फ़्लाइट को दमिश्क में लैंड कर दिया गया, और तमाम मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया गया। और फिर फ़िलिस्तीन को इसराइलियों से पाक करने का मुतालबा किया गया, लेकिन जब मुजाकरात हुए तो तय पाया गया कि इसराइल की जेल में कैद तमाम फ़िलिस्तीनी नौजवानों को छोड़ दिया जाएगा और तमाम हाईजैकर्स को बाहिफाजत वापस भेज दिया जाएगा। शराइत की तकमील के बाद तमाम मुसाफिरों को भी बाहिफाजत बिना एक भी खरोंच लगाए वहाँ से भेज दिया गया। इस कारनामे के बाद लैला खालिद की शोहरत आसमान छूने लगी और इसके लाइफ स्टाइल को बड़े बड़े लोग भी फॉलो करने लगे। यहाँ तक कि यूरोप में इसकी शोहरत का ये आलम था कि वहाँ की लड़कियाँ भी इसकी तरह हाथ की उंगली में बुलेट और सर पर स्कार्फ पहनने लगी थीं। उस वक्त लैला खालिद को पूरी दुनिया में बहुत शोहरत हासिल हो चुकी थी। यहाँ तक कि हॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स की ख्वाहिश थी कि वो लैला खालिद को लेकर कोई मूवी बनाएं, लेकिन लैला खालिद ने अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ फ़िलिस्तीन को इसराइलियों से पाक करना बना लिया था, और वो इस मकसद की तकमील के लिए फिर एक नए मिशन पर निकल चुकी थी, जिसके लिए उसने अपने चेहरे की 6-7 सर्जरियाँ करवाईं और उसी साल एक और जहाज़ हाईजैक कर लिया। 1970 में लैला खालिद और उसके साथियों ने एक और जहाज़ हाईजैक किया जो न्यूयॉर्क जा रहा था, लेकिन यहाँ पर लैला खालिद के एक साथी से गलती हुई और वो मारा गया, और लैला खालिद फ़्लाइट में अकेली फंस गई। और लैला खालिद का मुतालबा था कि फ़्लाइट को बगदाद ले जाया जाए, लेकिन उसकी बात को ना माना गया और फ़्लाइट लंदन में लैंड कर दी गई, और लैला खालिद को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। जब लैला को रात के अंधेरों में ढांक कर ले जाया जा रहा था, हजारों बेड़ियाँ उसके जिस्म पर लगी हुई थीं, तो किसी ने देखकर पहचान लिया और कहा कि एक लड़की को, एक खातून को इतनी ज़्यादा जंजीरों में जकड़ने की क्या ज़रूरत है। तो फौजी ने जवाब दिया, अगर ये लड़की जंजीरों में जकड़ी हुई ना हुई तो पूरा लंदन तबाह बर्बाद हो जाएगा। और फिर लैला खालिद को जेल में डाल दिया गया, लेकिन लैला खालिद की कैद के 26 दिन बाद उसके बहादुरों ने एक और जहाज़ हाईजैक किया और हज़ारों मुसाफिरों की जान के बदले लैला खालिद की रिहाई का मुतालबा किया। और सिर्फ 26 दिन में लैला खालिद फिर से शेरनी की तरह जेल से बाहर आ गई। खातिनों हजरात, हम आपको बता दें कि लैला खालिद ने ये पूरी कहानी खुद अपनी किताब में लिखी है जो 1973 में पब्लिश हुई है। आप मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए, ज़्यादा नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इस किताब का भी मुताला कर सकते हैं।
लैला खालिद की इस कहानी में हैरत की बात यह है कि लैला खालिद उस दिन के बाद से आज तक आज़ाद हैं और अपने शौहर डॉक्टर फयाज राशिद के साथ और अपने दो बेटों के साथ आज भी ओमान में ज़िंदगी गुजार रही हैं। और इस वक्त लैला की उम्र 76 साल है। लैला खालिद आज भी इसराइल और अमेरिका पर दहाड़ती रहती हैं और फ़िलिस्तीन को इसराइल से आज़ाद करने का अज़्म अब भी सलामत है। ख्वातीन हज़रात, ये थी लैला खालिद की कहानी। अगर आप जानना चाहते हैं कि सद्दाम हुसैन का पोता मुस्तफ़ा हुसैन, जिसने 14 साल की उम्र में 400 अमेरिकी फौजी जो एयर वन डिवीज़न से ताल्लुक़ रखते थे, उन्हें नाक तले चने जवा दिए थे, तो आप इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर जो वीडियो है वो देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।